जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि मालूम है कि आज विनोदिया नहीं आएंगे और आज योगा कराएंगी शकुंतला भाभी। तो शकुंतला भाभी हम सबको म्यूट कर रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके योगा शुरू करवाइए। शकुंतला भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। शकुंतला भाभी कहाँ चली गई? वो हमको कराएंगे तो ना। आपको कराने बोली है? विनोद भैया का फोन आया था। हाँ, कराने बोल रहे थे, देखते हैं शकुंतला भाभी कराएंगे तो करा देंगे। हाँ, शकुंतला भाभी कराएंगी। हाँ, शकुंतला भाभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले हम लोग पवित्र ओम का जाप करेंगे 3 बार। मंत्रों का जाप। ओम पूर्वस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृता। अस्तो मा सद्गमय तं सो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गम्य। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब 5 मिनट हम लोग भस्त्रिका करेंगे। एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, सब बैठ जाएं। 5 मिनट हम लोग भस्त्रिका करेंगे। लंबा गहरा सांस। फेफड़े में हवा भर के पूरा लंबा ला सांस लीजिए।
हरिओम। बस पांव सीधा, सूक्ष्म व्यायाम, पांव को सीधा कीजिए। दोनों पैर को मिला के, पंजों को मिला के गोल गोल घुमाइए। अच्छा अभी गलत होगा, आप संभालिएगा, आप अनम्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा करा रही हैं, कराइए। दोनों पंजों को नीचे की ओर, सांस लेते हुए नीचे की ओर, सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, खींचिए अपनी तरफ। दस दस बार एंटी क्लॉक में घुमाइए, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, दोनों पंजों को मिला के 10 बार एंटी, 10 बार क्लॉक वाइज, 10 बार एंटी क्लॉक वाइज।
आप सीधे बैठ जाइए। अब हम लोग करेंगे 10 मिनट तक कपालभाति। हम रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, मुद्रा आप लोग कोई भी जो आपको मुद्रा में 10 मिनट तक कपालभाति। Thank you.
जीवन लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ के पेट अंदर सांस बाहर, ठुड्डी गर्दन पर, अब अग्निशार, तीन बार अग्निशार करेंगे, लंबा सांस खींच के सांस बाहर, पेट से स्टॉप देंगे। हरिओम। अब पांव सीधा कर लीजिए, हम लोग हाथों का व्यायाम, मुट्ठी हाथ सीधा, मुट्ठी बंद, यहां उठा बाहर, एकदम टाइट से मुट्ठी बंद कीजिए, होल्ड कीजिए, एकदम ताकत लगा के पूरा होल्ड कीजिए, खोलिए, ताकत से खोलिए, सांसों के साथ मुट्ठी बंद कीजिए, सांस खींचिए, मुट्ठी बंद कीजिए, तोड़ते हुए खोलिए।
पुट्टी को गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग अभी पैरों का करा दीजिए, एक पैर पे दूसरा पैर रख के पैर वाला करवा दें। हाँ, एक पाँव रख, एक पाँव सीधा, दूसरा पाँव उन्हें हो पाएगा, पटेला टाइट कर दीजिए, उन्हें हो पाएगा वाला करवा दें। हाँ ठीक, पाँव सीधा कीजिए, घुटना को अपनी तरफ खींचिए दबा के, पटेला टाइट कर ना हाँ घुटना टाइट कीजिए, होल्ड कीजिए, ढीला कीजिए, घुटना टाइट कीजिए, खींचिए अपनी तरफ, ढीला, दस दस बार। अनुलोम करेंगे हम लोग, सीधा बैठ जाइए, कमर सीधी। अब हम लोग 10 मिनट दूसरा आने दीजिए, बंद होने वाला, ये बंद नहीं होगा, आधा भी बंद नहीं होगा, ये लगातार चलेगा जितना देर चलाएं, बंद नहीं होगा अभी क्या। हाँ, इसलिए आप जो भी योगा कंधा का, हाथ का ऐसा कराना चाहते हो, गर्दन का, करा सकते हैं पहले। अभी हम पहले अनुलोम कर ले। हाँ ठीक है, ठीक, बहुत टाइम है। दाहिना हाथ नाक के ऊपर, बायां नाक से सांस लेंगे, खींचेंगे, दाएं नाक से छोड़ेंगे, फिर दाएं नाक से लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर बाएं नाक से छोड़ेंगे।
Thank you.
हरिओम। अब 5 बार हम लोग ब्राह्मणी करेंगे, उंगलियां आंखों पर, अंगूठा कानों पर, पवित्र ओम का जाप। ध्यान, केवल ध्यान। अपनी आज्ञा चक्र पे ध्यान, अपनी आज्ञा चक्र पे दोनों भवों के बीच में। अपने मन की आंखों से अपने अंदर देखिए, सांसों पे काबू, अपने एक एक सांस को गिनती कीजिए।
अपने मन की आंखों से अपने अंदर अपने प्रभु को देखिए। एक एक सांस गिनिए, कोई भी सांस छूटने नहीं पावे। सांस लेते समय गले में ठंडक महसूस कीजिए। अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को देखिए। एकदम शांत शांत मन से भगवान का सुमरण कीजिए। आंखें बंद भगवान का सुमरण कीजिए। अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए मनी मन। गुरु को प्रणाम कीजिए, अपने गुरु की छवि को देखिए।
अपनी आज्ञा चक्र में देखिए। आज्ञा चक्र पे ओम की छवि बनाइए। पूरा ध्यान ओम पे लगाइए। हरिओम। अब क्या करें, पांव सीधा कर लीजिए। दोनों पैरों को घुमाइए, दोनों पांव घुटने छाती से लगाइए। अब हम लोग थोड़ा गर्दन का व्यायाम कर ले। सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथों को पसाक माथे पे लगाइए। आगे प्रेस कीजिए हाथों को। दोनों हाथ पीछे की तरफ, गर्दन से प्रेस कीजिए पीछे। पीछे पास 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 टाइट कंपन होना चाहिए पीछे, दम गर्दन टाइट। अब हथेली को माथे पे कान के आग के पास दबाइए। बाएं हाथ से गर्दन को सांस लेते हुए दाईं ओर घुमाइए। सीधा सांस लेते हुए दाईं ओर।
होल्ड कीजिए छोड़ते हुए सामने। बाएं घुमाइए होल्ड कीजिए सीधा। कंधा बिल्कुल नहीं घूमेगा, खाली गर्दन। गर्दन को दाएं से दाएं तक झुकाइए, कंधे पे सटाइए कान। फिर बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ। सांस लेते हुए दाईं तरफ, कान कंधे पे सटना चाहिए। अब गर्दन को दाई और एंटी क्लॉकवाइज, पांच बार क्लॉकवाइज, पांच बार एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाइए। बटरफ्लाई कर लेते हैं। पूरा पूरा नीचे अब क्या करवाऊंगा, अभी नीचे नीचे झुकिए, नाक को अंगूठे से सटाइए। जो सटा सकते हैं वही सटाएंगे।
ताली बजवा दीजिए। उज्जैन करवा दीजिए पहले। उज्जैन पहले कराइए। हाँ उज्जैन सिंहासन। लंबा सांस गले से सांस खींचिए। छुट्टी को छाती से दाया नाक बंद करके बाएं नाक से सांस छोड़िए। सिंहासन शकुंतला भाभी आज बहुत अच्छा योगा करा रही हैं और थैंक यू भैया, बहुत अच्छा योगा हुआ है। मैं चाहूंगा सब लोग अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें और सब लोग बताएं उनको कैसा लगा। नहीं सही में बहुत अच्छा कराई हैं, बहुत अच्छा। हम तो जैसा है तो वैसा करवा दिए भैया। नहीं बहुत अच्छा कराई है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। ताली बजाएं इनके लिए, ताली। सब लोग अपना पहले माइक अनम्यूट कर लें। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा योगा हुआ है आज का। सब लोग ताली बजवा दीजिए। सब मतलब ताली बजाइए।
चलिए हाथ से कराइए, हाथ से हस्यासन आप करवाइए आप। हरिओम हरिओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा रहा आज का शकुंतला भाभी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जय श्री राम। सब सबको एक लय से बांधी रही, सब इधर उधर कोई भी नहीं भटके। अच्छा ना हाँ। देखिए गुरु जी का तो पूरे लोग नहीं कर सकते ना, हम लोग उनका बस सिखाया हुआ करवा सकते हैं। गुरु उनकी बात तो अलग ही है, गुरु गुरु रहते हैं, बहुत उनकी बात ही अलग ही रहते हैं, गुरु ही रहते हैं ना। चलिए आज का कार्यक्रम आप लोग को अच्छा लगा, कल वो अपनी बागडोर खुद संभालेंगे। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए चलिए, हरिओम 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 हरिओम। राम राम। कितना मिनट और बाकी है? हो गया, बंद कर दीजिए और क्या, लीव निकल लीजिए, लीव कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।